एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ 35 दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने झड़प की है और उन्हें हिरासत में लिया है और जंतर मंतर पर लगे सारे टेंटों को उखाड़ कर फेंका है। ऐसे में जहां एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देकर लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती खींच कर ले जाती है और उन्हें हिरासत में ले लेती है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर पर जश्न मनाने वाले गोदी के लफंटर महिला खिलाड़ियों के साथ हुई इस धक्का मुक्की पर पूरी तरह से चुप है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज सुबह से ही अलग अलग चैनलों को उठाकर देख लीजिए, उस पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो नजर आ रही है। नए संसद भवन पर प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, साधु संतों की तस्वीरें दिख रही हैं, प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया जा रहा है। लेकिन इसी ऐतिहासिक दिन में काले अक्षरों से एक और इतिहास लिखा जा रहा है और वो इतिहास है इस देश की महिलाओं के साथ धक्का मुक्की का, वो इतिहास है महिला पहलवानों के साथ झड़प का, वो इतिहास है देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला को सड़क पर घसीटने का, वो इतिहास है देश को कई गोल्ड मेडल दिलाने वाली पहलवानों को जबरदस्ती हिरासत में ले जाने का। एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन पर मीडिया नंगा नाच रही है, इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बता रही है, उसी लोकतंत्र के मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री के कंधों पर डाल रही है। लेकिन उसी लोकतंत्र में जब महिला पहलवानों के साथ पुलिस धक्का मुक्की करती है तो लोकतंत्र के चौथे प्रहरी होने का दावा करने वाले लोगों के मुंह में दही जम जाती है। वो पुलिस के रवैये पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, वो एक सवाल उस लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन करने वाले से नहीं पूछ पाते हैं। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, ये गृह मंत्री अमित शाह से एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं कि आपके अंदर आने वाले दिल्ली पुलिस इतनी बेलगाम क्यों हो गई है, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोगों को सड़कों पर क्यों घसीटा जा रहा है, महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस इतनी बेरहमी से क्यों टांग कर ले जा रही है। ये वो सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन सत्ता की गुलाम बन चुकी मीडिया के मुंह से एक सवाल नहीं निकल पा रहा है। सत्ता के चरणों में अपने ईमान को गिरवी रख चुके लोग अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, वो बस संसद भवन के उद्घाटन पर अपने आका का जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र में हिटलर शाही से अपने खिलाफ उठ रही आवाज को कैसे दबाया जा रहा है। पहले आप उस वीडियो को खुद अपनी आंखों से देखें कि कैसे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस टांग कर ले जा रही है। इतना है कि वो संसद भवन की तरफ मार्च करना चाहती थी, इन लोगों का कसूर इतना है कि वो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, लेकिन उस पार्टी के लिए बलात्कार का आरोपी मंजूर है, लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान बिल्कुल भी कबूल नहीं है। पिछले 35 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर इन महिला पहलवानों का बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई भी इसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ इन महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस टांग कर ले जाती है, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर लगे टेंटों को ये पुलिस उखाड़ रही है। जिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी बृजभूषण को गिरफ्तार करने की है, उसे गिरफ्तार कर उससे सवाल जवाब करने की है, वही दिल्ली पुलिस उस आरोपी को बचाने के लिए विरोध की आवाज को दबा रही है। अब इस वीडियो में देखिए कि कैसे महिला पहलवानों के टेंटों को उखाड़ा जा रहा है। आमले
छोड़ दो यार, छोड़ दे छोड़ दे। बॉर्डर की घटना करेंगे सारे तरह लेते हैं। देखा आपने भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती, जहां एक तरफ संसद भवन के नाम पर लोकतंत्र का ड्रामा खेला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र में तानाशाही की तस्वीरों को देख रहे हैं। तो देखा आपने भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती, जहां एक तरफ संसद भवन के नाम पर लोकतंत्र का ड्रामा खेला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र में तानाशाही की तस्वीरों को देख रहे हैं। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।